चलो शिव के धाम, शिव विश्व शांति धाम। यह मंदिर उल्हासनगर में श्रीराम चौक या पवाई चौक से 10 मिनट की दूरी पर है। यह मंदिर दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के अंदर है एक पवित्र गुफा। वो गुफा के अंदर हर एक मंदिर है, सब मंदिर है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टविनायक मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, भैरवनाथ, महादेव की 20 से 22 फुट लंबी मूर्ति और भी ऐसे कई मंदिर और मूर्तियां आपको अंदर देखनी मिलेंगी। तो वीडियो फुल देखना और स्किप मत करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हो चुकी है। सो गाइस, आज हम जाने वाले एक जगह पे, सो मैं आपको बताऊंगा जो कि मेरे घर के बाजू में ही, पर मैं आज तक नहीं गया हूँ। तो वीडियो फुल देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, तो ज़रूर देखना। और अभी निकलता हूँ मैं घर से, तो वैसे भी आपने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा, बट वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं तो सोच के ही इतना वो हो रहा हूँ क्योंकि आज तक मेरे घर के बाजू में इतनी स्पेशल चीज़ें और मैं आज तक नहीं गया हूँ। तो आज जाते हैं और लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग अभी पहुँच चुके हैं मंदिर, अभी जा रहे हैं मंदिर के अंदर। मुझे लगता है कि यहाँ पे वीडियो लगाना अलाउड नहीं है, मुझे बहुत जनों ने बोला भी है कि वीडियो लगाना नहीं अलाउड है, पर जाके तो अभी ट्राई करेंगे हम लोग। देखते हैं, अभी पहुँच गए हैं देखो मंदिर के इधर, अभी जाते हैं अंदर फिर आपको दिखाते हैं मंदिर। गाइस, ये मंदिर के इधर इतनी सारी भगवानों की मूर्तियाँ, मतलब सब भगवान के अंदर बहुत सारा है। वहाँ माता वैष्णो देवी, अष्टविनायक मंदिर, झूलेलाल की मूर्ति और शिव भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है, कम से कम 20-22 फुट की मूर्ति है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऊपर जाके। और ये मंदिर यहाँ के बहुत फेमस है, यहाँ पे शिवरात्रि पे गुफा में जाना अलाउड नहीं है, बाकी इतनी भीड़ रहती है ना, बाप रे, हर मंडे को यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होती, इसलिए हम लोग आए हैं सैटरडे को। और मेरा मन था अंदर जाने का, इसके लिए हम ट्राई करेंगे छुप छुप के वीडियो निकालने की, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी वीडियो निकालना। तो अभी चलते हैं अंदर। ये मंदिर का एंट्रेंस ही इतना अच्छा है कि एक उंगली में शिव भगवान ने पूरा अर्थ पकड़ के रखा है। और जब आप इस मंदिर में एंट्री करते हो तो आपको सामने सामने दिखाई दिया रहेगा कि यहाँ पे 9 ग्रह की मूर्तियाँ हैं। 9 ग्रह जैसे कि शुक्र, बुध, गुरु, केतु, शनि, राहु, जैसे कि आपको देखने मिलेगा ये सब भगवानों के स्तोत्र भी हैं। और यहाँ पे शनिदेव और श्री हनुमान जी की मूर्ति साथ में है, जो कि आपको विश्व में कहीं भी देखने नहीं मिलेगी। आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर, जो कि मंदिर का एंट्रेंस इतना रियल लगता है कि ये रियल पत्थर है, पर गाइस ये रियल पत्थर नहीं है। तो हम पहले चढ़ते हैं सीढ़ियों के ऊपर, एंड सबसे पहले जो ये मंदिर में एंट्रेंस करते ही आपकी वाइब्स हो जाती हैं एकदम पॉजिटिव, मतलब आप स्वर्ग में आ गए हो ऐसा लगता है। जैसे हमें गोल्डन टेम्पल में लगता है वही फीलिंग थी। और यहाँ पे विष्णु देव की इतनी प्यारी सुंदर आर्ट थी ना, मतलब मज़ा आ गया देख के। और माय फेवरेट, महादेव की इतनी बड़ी मूर्ति, जो कि बचपन से मैं सिर्फ नाम सुनता आया हूँ, फ़ोटो देखते आया हूँ, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मैं ये सामने से देख पाया। और तो और मैंने अपने पिक्स भी लिए हैं यहाँ पे। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मूर्ति कितनी बड़ी है और मैं उनके सामने कितना सा लग रहा हूँ, पर मुझे बहुत खुशी मिली यहाँ पे आके। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और ये मूर्ति ये देखो, ये 20-22 फुट की मूर्ति है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे गुफा में। गुफा में हर एक भगवान की मूर्ति है, और शिव भगवान के 108 पिंड है, अष्टविनायक गणपति का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। अभी आपको जाते हैं दिखाते हैं, अभी जाते हैं गुफा के अंदर, मेरे साथ रोशन आया है। तो अभी हम लोगों ने नीचे का जैसे आपको दिखाया, अभी चलते हैं अभी गुफा में भी दिखाते हैं। वो स्टार्टिंग का पॉइंट था, फिर ऊपर आके ये मूर्ति है, फिर अभी गुफा है नीचे। तो चलो, गुफा में एंटर करते ही आपको दिखाई देगा श्री राधे कृष्ण की एक प्यारी सी मूर्ति, और हमें देखने मिलता है कि नटराज रूप की एक प्यारी सी आर्ट है। अंदर जाते ही आपको लगता है कि ये क्या है, मतलब पवित्र गुफा
जो कि पूरी पहाड़ तोड़कर बनाई गई है, पर नहीं गाइस, व्हाट एन आर्ट यार। सो गाइस अभी हम लोग बाहर निकले हैं, मंदिर देख के आए हैं। हम लोग ने बहुत मुश्किल से अंदर वीडियो निकाला। वो लोग लाइट बंद चालू कर रहे थे कि वीडियो नहीं निकाल पाए। उन्होंने हमको पहले ही बोला कि नीचे जाके वीडियो अलाउड नहीं है। हम लोग ने बाहर तक निकाला था, फिर जब भी अंदर घुसे तो लोगों ने बोला कि वीडियो निकालना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग निकाला गाइस आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है। सो गाइस मंदिर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे घर के बाजू में ही, मैं आज तक गया नहीं था। तेरे को कैसे लगा रोशन? एकदम मस्त यार, फीलिंग जो आ रही थी। इसने तो गाइस रील भी बनाई है, आप चेक करना, रील मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा।